आर्यवत एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता युक्त शिक्षा की ओर विषय पर रामपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति को व्यवहारिक बनाते हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की बात की। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में अब 20% ऑनलाइन पढ़ाई भी शामिल की गई है। इसके अलावा योग और खेलों को अनिवार्य विषय बनाया गया है। इतना ही नहीं, विभिन्न विषयों में पढ़ाई से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी शामिल कर अलग अंक दिए जाएंगे। छोटे बच्चों को राष्ट्रीय गान कंठस्थ होना चाहिए, उनके अंक भी उन्हें मिलेंगे। कार्यशाला में मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर सुनील गुप्ता व विशिष्ट अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सुरेश सोनी मौजूद रहे। कार्यशाला में रामपुर व ननखड़ी ब्लॉक के सभी स्कूलों के अध्यापकों व शिक्षाविद मौजूद रहे। सोसाइटी के चेयरमैन कौल सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्यवत एजुकेशन सोसाइटी निरंतर समाज के सहयोग से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों को कर जागरूकता ला रहा है। इस दौरान वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति सभ्यता संस्कार व गुणवत्ता युक्त होने की बताई। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण में विभिन्न पक्षों के सुझाव भी तैयार किए गए हैं ताकि बेहतर समाज का निर्माण हो सके। ऐसे पिछले 8 महीनों से रामपुर क्षेत्र के अंदर समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दृष्टि से ऐसे अनेकों अभियान और कार्यक्रम लगातार कर रही है। आज सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता युक्त शिक्षा की ओर इस विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आज रामपुर के अंदर होने जा रही है। इस कार्यशाला में ऐसे रामपुर ब्लॉक, ननखड़ी ब्लॉक, सरान ब्लॉक के सभी स्कूलों के अध्यापक प्रधानाचार्य इस कार्यशाला में उपस्थित है। इस कार्यशाला के माध्यम से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो आम विद्यार्थी और आम समाज तक शिक्षकों के माध्यम से जाए, इस तरह का उद्देश्य को लेकर सोसाइटी ने इस तरह की कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी और फिर हम मार्च या अप्रैल में पेपर लेंगे दूसरे टर्म का। जो 50% सिलेबस का पेपर ले लिया तो फिर बच्चे को उसको पढ़ना नहीं है, वो स्ट्रेस कम हो गया और अगला फिर 50% नेक्स्ट टर्म में उसको कवर करना है, उसी के ऊपर से कंसंट्रेट करना है। और एक महत्वपूर्ण बात और थी कि अगर बच्चों को ये लगता कि फर्स्ट टर्म में मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो उसके पास एक मौका और होगा, तो और मेहनत करेगा सेकेंड टर्म में और बच्चे इस प्रकार से रहेगा। इसके अलावा ये कहा गया है कि ये शिक्षा जो है वो व्यवहारिक या एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। तो ये रटंत शिक्षा कि हम रट्टा लगाते हैं और कोचिंग लेते रहते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, अनहैप्पी हैं, वो उनकी स्थिति बहुत बहुत स्ट्रेस में है बच्चा, इसलिए उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमने उससे एक्टिविटी कराना है। जैसे सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी है उसके हमने अंक रख दिए, जैसे 4 अंक हैं सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी, 7 विषय हैं तो वह एक्टिविटी करनी पड़ेगी उसको, तो 4-4 अंक जो है वो 7 विषय में उसके जुड़ जाएंगे, यानी 2.5 नंबर तो उसी के हो गए। योग और स्पोर्ट्स को हमने कंपलसरी कर दिया, वो करना ही पड़ेगा, उसका हमने टेस्ट नहीं लेना, लेकिन व्यवहारिक योग करना है, स्पोर्ट्स करना है और उसके मॉड्यूल्स बनेंगे हर एक स्टेट के, क्या मॉड्यूल्स होंगे, किस प्रकार की योगी गतिविधियाँ होंगी और किस प्रकार के स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ होंगी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की सुध लेने नहीं आते, अब नशे के चपेट में भी बच्चे आ गए हैं, तो हमने पेरेंट्स पार्टिसिपेशन कम्युनिटी इंटरेक्शन के नाम से भी अंक रख देंगे। जैसे अगर 2 अंक रखते हैं तो हर एक विषय में 2 अंक जुड़ जाएंगे, अगर 7 विषय हैं तो 14 अंक बच्चे पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन क्या हो गए, इसलिए पेरेंट्स को रिपोर्ट कार्ड बताएंगे बच्चे का और वहाँ इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, कैसे बेहतरी हो सकती है वो चर्चा करें, यानी बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेकर सारे के सारे अभिभावकों को भी उस काम में लगाएं कि अपने बच्चे की देख रेख करें उसमें। और बड़े बच्चे रखा गया है कि कुछ कंटेंट जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में तो 20% का जो कंटेंट है वो कंपलसरी ऑनलाइन होगा। उसका कारण ये है कि अगर इस प्रकार की परिस्थितियाँ कभी भी आती हैं तो हमारे बच्चे और प्राध्यापक वो दोनों तैयार कि ऑनलाइन में कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ाना है, क्योंकि इस वक्त जो मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी मुश्किल आई कि ना तो हमारी स्टेट के टीचर उसके लिए कभी तैयार थे, कुछ थे चंद पर ओवरऑल, दूसरा बच्चे तैयार नहीं थे, कई प्रकार की मुसीबतें थी और इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है
उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं।